एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, रिसेंटली हम लोग गए थे पूरी, यानी कि एक दिन पहले ही दोबारा से हमें प्रभु से बुलावा आ गया, तो हम तुरंत निकल पड़े। लेकिन जाते वक्त रास्ते पे हमें एडवेंचर कन्वेंशन एंड रिजॉर्ट के पास जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एंड सुभद्रा जी का एक सिंहासन देखने के लिए मिला, तो उसको हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और हम लोग आगे बढ़ चले। सो वेलकम टू पूरी धाम। पूरी जाते वक्त नारियल पानी पीना हमारे संविधान का एक प्रथा जैसा है, जिसको हम लोग हमेशा पालन करते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अभी पूरी में रथ यात्रा चल रहा है, तो इसीलिए आपको जगह जगह पे पुलिस का चेकिंग पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। पूरी जाते वक्त रास्ते पे एक बहुत सुंदर सा नज़ारा हमें देखने के लिए मिला। इस तरह से एक पानी का जगह था और वहाँ से पूरी जगन्नाथ टेम्पल का व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा था, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर रुक के थोड़ी देर इसको रिकॉर्ड किया ताकि आप लोग भी देख सको। रथ यात्रा के लिए पूरी समंदर के किनारे में भी आपको बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि प्रभु जगन्नाथ जी का रथ इधर बना के रखा हुआ था। ये काफ़ी सुंदर लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था गाइज। समंदर के पास छोटा सा जगन्नाथ जी का रथ देखने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं गुंडीचा मंदिर के पास जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का ओरिजिनल वाला रथ देखने के लिए और प्रभु को दर्शन करने के लिए। प्रभु जैसे कि अभी गुंडीचा मंदिर यानी कि उनके मौसी के घर पर है, तो मंदिर के सामने आपको यहाँ पे चहल पहल देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे भी प्रभु रहते हैं वहाँ पे माहौल बन ही जाता है। गुंडीचा मंदिर के पास पहुंचते ही जैसे कि उन हवाओं में कुछ अलग सा नशा था, और वो नशा प्रभु को दर्शन करने के बाद ही जाके उतरेगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे तीनों रथ के सामने, जिसको देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं गुंडीचा मंदिर के सामने, जहाँ पे तीनों रथ बाहर खड़े हैं। अंदर जाएंगे हम लोग दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे भजन समारोह किया जाएगा। तो गाइस, सामने आपको तीनों रथ का दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो रेड एंड ग्रीन कलर का रथ आपको दिख रहा है, ये है भगवान बलभद्र जी का रथ। यहाँ उसी के बाजू में ही आपको रेड एंड ब्लैक कलर का जो रथ दिखेगा, ये है सुभद्रा माता का रथ। और सबसे अनोखा जो है रेड एंड येलो कलर का रथ, वो है जगन्नाथ जी का रथ। तो पहले हम सब चलते हैं दर्शन करने के लिए रथ को, प्रणाम करने के लिए। उसके बाद फिर जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एंड सुभद्रा जी को दर्शन करेंगे गुंडीचा मंदिर के अंदर जाके। लेकिन मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे शूट नहीं कर सकते, बस आप लोग रथ का ही दर्शन यहाँ पे कर सकते हो। तो फिर चलिए चलते।
ऐसा माना जाता है कि जब प्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एंड सुभद्रा माता मौसी के घर पर होते हैं, यानी कि गुंडीचा मंदिर में होते हैं, उनका दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो इसीलिए हम भी पहुँच गए प्रभु का दर्शन करने के लिए। हम तो खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं, ताकि हम लोग रथ को इतने नज़दीकी से, इतने करीबी से देख सकते हैं। और लोगों के चेहरे पे जो खुशी था उस दिन, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रभु का ही कृपा है, उन्हीं का ही जादू है, जो कि अपने भक्तों के साथ उनको एकदम बांध के रखता है। जगन्नाथ जी के रथ के रस्सी से मैं थोड़ा घर पर भी लेके आई हूँ, जिसको बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। दिन हम लोग गुंडीचा मंदिर के अंदर गए थे, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से प्रभु को दर्शन किया, प्रसाद भी लिया था। दिन हम लोग डायरेक्टली पहुँच गए थे ब्लू फ्लैग बीच, यानी कि गोल्डन बीच, जो कि पूरी में ही है। गोल्डन बीच आने के बाद आपको यहाँ पे एक टिकट काउंटर दिखेगा, जहाँ पे आपको अपने गाड़ी के हिसाब से पे करना पड़ेगा। थोड़ी देर अंदर आने के बाद आपको एक दूसरा टिकट काउंटर इधर दिखेगा, जहाँ पे आपको बीच के पास जाने के लिए, वहाँ पे नहाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए पे करना पड़ेगा। तो हमारा टिकट तो हो गया, हम लोग अभी टिकट लेके जा रहे हैं अंदर बीच के पास, तभी आपको दिखाऊंगी कि बीच का नज़ारा किस तरह से था। वैसे पूरी गोल्डन बीच में अभी मिलेट शक्ति का एक नया स्टोर ओपन हुआ है, जहाँ पे आपको हेल्दी वाला टेस्टी टेस्टी मिलेट से बने हुए खाना खाने के लिए मिल जाएगा, वो भी एक बहुत सुंदर से जगह पे बैठ के। देन वहीं पे ही हमें दिखा आलमंड का पेड़। मैंने आलमंड का पेड़ तो देखा था, लेकिन आलमंड से भरा हुआ पेड़ कभी नहीं देखा था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, और मैंने हाथ में ये आलमंड ही पकड़ा हुआ है, इसके अंदर आलमंड है, जो हम लोग सुबह सुबह खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। अभी हम लोग चलते हैं बीच के पास। यहाँ पे आने के बाद ना इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था गाइस, क्योंकि बहुत सुंदर हवा चल रहा था, और पूरी में ना धूप काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ये हवा के वजह से हम लोग यहाँ पे घूम पाए अच्छे से। यहाँ पे एक ओपन जिम भी है, बच्चों के खेलने के लिए एक चिल्ड्रन पार्क भी है, उसके साथ साथ ये सुंदर सा नज़ारा। और ये है पूरी का गोल्डन बीच, यानी कि ब्लू फ्लैग बीच, बहुत ही खूबसूरत और नीट एंड क्लीन है। वैसे पूरी में इतना ज़्यादा धूप था कि पूरा बदन टैन में भर चुका था तभी, लेकिन समंदर देखते ही कौन किसी को रोक सकता है। गोल्डन बीच यानी कि ब्लू फ्लैग बीच में आप लोग एक बार ज़रूर आइए, अगर आप नेक्स्ट टाइम पूरी आते हो तो। ये गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, एंड मेरे हिसाब से ये वेल मेंटेन्ड बीच में से एक है।
बीच में थोड़ी देर घूमने के बाद हमें मन करा कुछ ठंडा खाने के लिए, इसीलिए हम लोग एक कैफे में आए हैं जो कि गोल्डन बीच के अंदर ही है। वहां से हम लोगों ने पहले आइसक्रीम लिया और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक लिया, देन हम लोग दोबारा से बीच के ओर गए क्योंकि बहुत ही अच्छा हवा चल रहा था। और बीच के साइड में आपको चेयर्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप लोग बैठ के आराम से समंदर का मज़ा ले सकते हो, और इन चेयर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो गोल्डन बीच पूरी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। नेक्स्ट टाइम आप लोग अगर आते हो तो यहाँ पे ज़रूर जाना। बीच में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग पहुँच गए थे श्री मंदिर के पास यानी कि बॉर्डर दंडा में। तभी हमें काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगा था, तो अपनी भूख को मिटाने के लिए हम लोग पहुँच गए थे श्री मंदिर के सामने ही एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है द ग्रैंड। सो रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग आ गए हैं एंड अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ के मेन्यू में क्या क्या है। मेन्यू के लास्ट पेज में आपको यहाँ का टाइमिंग भी पता चल जाएगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो यहाँ का इंटीरियर कुछ इस तरह से था एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना बनता है। सो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था ग्रैंड रिजेंसी वाला थाली जो कि यहाँ का स्पेशलिटी है, और थाली में हमें मिला था राइस, रोटी, दाल, मिक्स वेज, पनीर, भाजी, रायता एंड एक गुलाब जामुन। यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस। अगर आप पूरी में जाके कहीं पर लंच करना चाहते हो तो ये एक रिकमेंडेड प्लेस है। सो खाना खाने के बाद यहाँ के टेरेस के ऊपर से ही हम लोग ये वीडियो कैप्चर कर रहे थे क्योंकि इस रेस्टोरेंट के ऊपर से मंदिर का व्यू और बड़दंडा का व्यू बहुत ही सुंदर आता है। हम लोग मंदिर के सामने ही खड़े हैं, वैसे तो प्रभु यहाँ पे नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ का वाइब कुछ अलग है। सो गाइस श्री मंदिर के सामने हम लोग कुछ देर वहाँ पे रुके। मंदिर के अंदर प्रभु तो नहीं थे लेकिन प्रभु को वहाँ पे आप लोग महसूस कर सकते हो। मंदिर के सामने वही चहल पहल, वही तामझाम हमें सब कुछ देखने के लिए मिला।
कुछ छोटे छोटे क्लिप्स हमने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करी है, जिससे आपको श्री मंदिर और बड़ोदंड की खूबसूरती के बारे में पता चले। सो वीडियो बनाते बनाते हमें तुरंत नजर आया ओभड़ा यानी कि महाप्रसाद, जो कि मंदिर के सामने से ही गुजर रहा था। तो हमने तुरंत इसको रिकॉर्ड किया, क्योंकि इससे ज्यादा खूबसूरत वीडियो तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। सो गाइस, पूरी से आते वक्त हम लोग बाटामंगला में दर्शन करके आए। जाते वक्त हम लोगों ने दर्शन नहीं किया था, तो आते आते माता रानी का दर्शन करना तो बनता ही है। तो फिर हम लोग गए बाटामंगला में माँ का दर्शन करने के लिए, और बहुत सुंदर लग रही थी माँ उस दिन, एकदम फूलों से भरी हुई थी। और दर्शन करने के साथ साथ उस दिन मैंने अपने गाड़ी का पूजा भी करवाया, क्योंकि मुझे दोबारा से गाड़ी का पूजा करना था। और माँ के मंदिर में थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ से अच्छा जगह और कहाँ हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने पूजा का सारा सामग्री यहाँ से ही खरीद लिया और गाड़ी का पूजा भी करवा लिया। सो पूरी का ये एक दिन का ट्रिप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और स्पेशल था। आपको कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय दिस वीडियो, बाय बाय।